हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर सिलेबस ऑफ फिजिक्स इन 10th सेशन सी. अबाउट दिस फिजिक्स सिलेबस, आपको क्या क्या स्टडी करना है, कितने चैप्टर्स आपके फिजिक्स में है, आज हम ये डिस्कस करेंगे. ओके बच्चों, हमने क्या है, एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी गूगल मीट पे लास्ट वेडनेसडे को, ठीक है. उसमें आपको बता दिया था कितने चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे आपको मूव करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो भी आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपको टाइम गिवन होगा, जैसे मैं आपको टाइम दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको या तो स्क्रीनशॉट लेना है या उसको राइट कर लेना है, ठीक है. और आपको एक होमवर्क असाइनमेंट भी देंगे, वो होमवर्क आपको डन करना है. आपके ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आपको होमवर्क कंप्लीट करके एट द सेम डे मुझे सेंड करना है, ठीक है बच्चों. आपको पता है ना, मंडे एंड ट्यूसडे को हमारी यहाँ पे क्लासेस होने वाली है, एंड ऑन वेडनेसडे अगेन वी विल मीट ऑन गूगल मीट, ठीक है. वहां पे हम क्या करेंगे, जो भी आपके 2 डेज के डाउट्स होंगे, आपका ओरल टेस्ट जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा उसको डांट पड़ेगी, जिसका कंप्लीट होगा उसको तो फिर अच्छी उसकी तारीफ भी करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना. समझ में आ रहा है आपको? अभी देखो, स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने देते हैं, विद इन 1 मिनट हम क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट विद इन 1 मिनट, ठीक है. सभी बच्चों के पास टाइम चला गया है, सब अपनी प्रेजेंस यहाँ पे प्रेजेंस बोल दो, और फिर क्या है, हम क्या कर देते हैं, अभी स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर है ना? देखो बोर्ड आपको अच्छे से विजिबल है ही, तो वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को, ठीक है. तो देखो क्या करते हैं, बिगनिंग ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स को आज, ठीक है ना. देखो कितने चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, 10 से लेके 14 तक मीन्स 5 चैप्टर्स आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है. 5 चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे. बच्चों एक ही कंडीशन है, मेरी क्लास में आना है, अगर आपको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, तो आपको एक कंडीशन, ओनली 1 कंडीशन इज देयर, दैट इज यू हैव टू बी रेगुलर. यू हैव टू बी रेगुलर. अगर आप वर्क में रेगुलर नहीं हो, क्लास में रेगुलर नहीं हो, ठीक है, तो मैं आपको उस ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगी जिसमें आप ऐड हो अभी, ठीक है. और फिर आप कोई भी डाउट भी नहीं पूछ पाओगे मुझसे, ठीक है. तो आपको क्या है, रेगुलर रहना जरूरी है. देखो रेगुलर रहोगे आपका ही बेनिफिट है, घर पे बैठे हो, आराम से स्टडी करनी है, इजीली करो, ठीक है. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम. देखो सेकंड हम क्या कर रहे हैं, 12th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. बच्चों कैसे करना है आपको, नोट्स में पहले सारे टॉपिक्स लिखने हैं. आप इस चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक्स स्टडी करोगे बच्चों. फर्स्ट टॉपिक देखो क्या है, हमने 2 टॉपिक क्या है, माइनर से डिस्कशन कर लिया था ना, अच्छे अच्छे से एग्जांपल भी लिए थे उसको समझने के लिए, फिर से करेंगे बच्चों. कई बच्चों को नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लियर भी नहीं हो पाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. देखो आपको पहले टॉपिक मेंशन करने हैं, हाँ, बी प्रेजेंट विद, मे बी यू हैव रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक एंड विद योर बुक, ठीक है. आपके पास बुक होनी चाहिए अभी इस टाइम पे, और रफ नोटबुक पास में रखो, रफ ही रखो, फेयर नोट्स आप बाद में बनाना, क्योंकि देखो अभी फेयर नोट्स बनाओगे तो आपका ध्यान उसी में जाएगा. अभी अच्छे से टॉपिक को समझ लो, कुछ चीजें होती है जो आपको राइट करनी हो तो वो राइट कर लेना रफली, और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है. तो फर्स्ट टॉपिक देखो, टॉपिक हम क्या क्या स्टडी करेंगे बच्चों. इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, करंट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट से. और फिर हम सर्किट समझेंगे, सर्किट क्या होता है, ठीक है. वो वाला सर्किट नहीं है, MBBS वाला ना भाई, MBBS, ठीक है. तो ये अलग सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है बच्चों, ठीक है. तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है. पोटेंशियल तो आप समझते हो, पोटेंशियल कितना आपके अंदर है स्टडी का. फिर हम पढ़ेंगे जो सर्किट डायग्राम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके होम्स में जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स के नाम आपको पता है, कुछ नहीं पता है. रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है. वायर होती है, जैसे बैटरी है, इस तरीके से की है, ये काफी सारे, इनके सिंबल आप देखोगे, साइन क्या होता है. तो सर्किट डायग्राम में जस्ट बच्चों एक टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए. बच्चों अपने कैसे मूव करेंगे, जो भी
दो टॉपिक कर लेंगे ना, उसके एनसीईआरटी में जस्ट उसके आपके क्वेश्चंस भी हैं बॉक्स में, वो भी आप कवर करोगे साथ में नोटबुक में, सेपरेट एक नोटबुक बनाओ फिजिक्स की कंप्लीट, और जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे ना, मैं सर्च करके ही आपको बता दूंगी कि इन दो टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आपको क्या है, हैंड टू हैंड आपको अपनी नोटबुक में कवर कर लेना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपकी नोटबुक में हो जाएंगे। सर्किट डायग्राम, उसके बाद में जो एक साइंटिस्ट था ओम, ठीक है, ओम शांति ओम, ठीक है, तो ओम ओम स्लो पढ़ेंगे अपने, ओम ने एक लॉ दिया था आपके लिए, है ना, चलो वो उसको स्टडी कर लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। फिर देखो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, जब आप ओम स्लो, व्हेन यू विल स्टडी ओम स्लो, तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, फिर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद देखो हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट मतलब आपने देखा होगा ना कभी कभी वायर मतलब ज्यादा हीट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होती है, ठीक है, तो आपने कोई भी मान लो फ्रिज चला रखा है, कूलर चला रखा है, एसी चला रखी है, कुछ भी आपने ऑन कर रखा है, तो वहां से उसकी बैक साइड से हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो करंट का हीटिंग इफेक्ट है बच्चों, वो हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। और फिर इन द लास्ट, जिससे आपके मम्मी पापा बहुत परेशान है, इलेक्ट्रिक पावर, परेशान कैसे हैं, क्या करें, हमारे बच्चे तो सारा दिन फोन चलाते हैं, स्टडी करते हैं, फिर उसको चार्ज भी करते हैं, फिर एसी भी चलाते हैं, ओफो कितना बिजली का बिल आता है ना, परेशान आपके पेरेंट्स, चलो कोई बात नहीं, वो तो आपके लिए इतना भी कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हम भर देंगे, आपको सिर्फ स्टडी करनी है बच्चों, क्या करनी है आपको, स्टडी करनी है, और वो भी कौन सी, रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर क्लास में आना है, पूरी क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर वर्क सेंड करना है, जो भी बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं भी हुए हैं वो आप मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि मुझे आई एम न्यू, ठीक है, तो मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अभी ऐड नहीं है, अगर उनको होना है तो क्या है, आप मेरे को एक मैसेज कर दो, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और ये क्लासेस बच्चों, इसका बेनिफिट देखो आप, कितना अच्छा बेनिफिट है ये, यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं, आप मान लो मंडे ट्यूसडे की आप क्लास कभी बाय चांस हो जाती है इमरजेंसी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अटेंड नहीं भी कर पाते हो तो ये क्लासेस आपके पास प्लेलिस्ट के अंदर क्या रहेंगी, स्टोर रहेंगी, आप उठाओ क्लास देखो, पूरा शेड्यूल वर्क का क्लास में मैं बताऊंगी, उसको कंप्लीट करो भेजो, ठीक है, बट एक मैसेज डाल देना मैम आज हम क्लास में नहीं आ पाएंगे, ठीक है, मुझे सभी बच्चों का नेम याद रहता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये आपके रूल्स है, एक ही रूल है, सिंपल, वेरी सिंपल रूल टू अटेंड माई क्लासेस, बी रेगुलर, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, करें ना स्टार्ट, बताओ बच्चों आर यू रेडी, यस और नो कमेंट करो, रेडी हो गया आप, स्टार्ट कर दें, कर ही देते हैं, चलो देखो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। देखो बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ना, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके से एनर्जी की ही फॉर्म है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप चाहे लिख लेना, जब आप हेडिंग दो टॉपिक की, हेडिंग दो चैप्टर की, तो उसी के नीचे डिफाइन बना के लिख लेना इसकी, ठीक है, डिफाइन बना के लिख लेना, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैव huge importance in our life, ठीक है, पता है ना अपने को, in our life like in homes, schools, hospitals, कहीं भी ले लो बच्चों, industries, कहीं भी ले लो, सब जगह पे आपका क्या है, electricity का use है ना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, आप क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो, ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, किससे मिलके बनी है ना, आपको पता है ना किससे मिलके बनी है, द मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक करंट, मेन टर्म From that, this is constituent, ठीक है, electricity constitutes the electric current, electric current से ही word आया है electricity, तो हमारा very first topic भी बच्चों यही है, क्या topic है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, electric current के बारे में, है ना, electric current, start हो रहा है आपका chapter यहीं से,
इलेक्ट्रिक करंट में देखो हम क्या क्या स्टडी करेंगे। जैसे आपने पहले देखो नोट्स में कैसे प्रिपेयर करना है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे इरेज करने से पहले। देखो इलेक्ट्रिसिटी आपने लिखा, डिफाइन लिख लेना इसकी, जहां जहां पे इसका यूज है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अपना जो वेरी फर्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर रहे हैं, अब उस टॉपिक में भी हम कैसे मूव करेंगे ना, उसकी आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे बच्चों। देखो ठीक है, ले लेना स्क्रीनशॉट या फिर बाद में भी वीडियो ऑन करके और आप क्या अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बच्चों मैं मानती हूँ आफ्टरनून टाइम है, बट सोना तो नहीं है, सो जाना ना 1:30 के बाद सो जाना, खाना खा के आराम से सो जाना। अभी आप क्या अलर्ट रहो क्लास के अंदर बिल्कुल, और ना लेटे लेटे कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आराम से टेबल चेयर पे बैठो और अपना क्या है रफ नोटबुक बुक के साथ बैठो। देखो इलेक्ट्रिक करंट में हाउ वी विल मूव, फर्स्टली हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, यूनिट देखेंगे इसकी, यूनिट देखेंगे और इसमें कंप्लीट कर देंगे एक इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ठीक है, नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो आप किस डिवाइस का यूज करते हो, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो बच्चों, उसके बारे में। देखो मेनली तो इन तीन थ्री स्टेप्स के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो जाएगा और इसी में बताते रहेंगे। और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन इस पे रहेंगे। एक नॉट पॉइंट भी करेंगे हम इसमें, नॉट पॉइंट भी करेंगे, फोर्थ नंबर, ठीक है, फिफ्थ नंबर आपको क्वेश्चन, ऐसे ही मूव करना है नोट्स में। इलेक्ट्रिक करंट लिखा, ठीक है, डिफाइन यूनिट इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट मेजर्स। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपने इसको मेजर करते हैं। उसके बाद एक नॉट पॉइंट लिखेंगे अबाउट द चार्ज। ठीक है, फिर आपके जो क्वेश्चन इसमें रहेंगे ना कौन से करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक के जस्ट बाद। वो क्वेश्चन करने हैं फोर क्वेश्चन आपको, वो मैं इंस्ट्रक्ट करूंगी, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं और सॉल्व करने हैं, मुझे सॉल्यूशन भेजना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है बच्चों, जैसे आपने वॉटर करंट का नाम सुना है, एयर करंट का नाम सुना है। वॉटर करंट क्या है, रिवर्स में जो वॉटर फ्लो हो रहा है उसकी वजह से वॉटर करंट होती है। इस तरीके से आपका जो ना जो वायर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है ना बच्चों, उसकी वजह से कौन सी करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू व्हाट, चार्ज, चार्ज की वजह से होती है बच्चों। ठीक है, चार्ज को किससे डिनोट करेंगे वो सब अपने लिखेंगे। देखो डिफाइन क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है बच्चों, कंडक्टिंग होनी चाहिए वायर। अरे आपने कभी देखा है क्या कि पेपर से करंट फ्लो हो रही हो, इस मार्कर में से करंट फ्लो हो रही हो, देखा है क्या? ऐसे तो मैं इसको पकड़ लू करंट ही आ जाएगा मुझे। ठीक है, मैं लिखूंगी कैसे इसको, तो कौन सी वायर होनी चाहिए, कंडक्टिंग वायर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके घरों में कौन सी वायर्स है, कॉपर वायर्स है ना। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर्स होनी चाहिए, कॉपर वायर है ना आपके होम्स में जो कॉपर वायर है। तो डिफाइन देखो क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर is electric current, is electric current बच्चों। ठीक है, जो भी आपके वायर में से चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है। देखो रेट लिखा है ना मैंने, रेट का मतलब क्या है, रेट जहां भी वर्ड यूज हो जाए अपॉन में आएगा वो टाइम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो आप, बट आपने रेट लगा दिया तो उसका मतलब अपॉन में टाइम लिखना है। ठीक है, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन में क्या लगाना है आपको, टाइम लगाना है, इज इलेक्ट्रिक करंट, पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। क्लियर है, ये छोटी सी डेफिनेशन थी। देखो अब देखो बच्चों यहाँ पे चार्ज वर्ड यूज कर रहे हैं, उसको भी बताएंगे आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मूवमेंट फास्ट स्लो कुछ भी हो आप बता देना, ठीक है, छोटे छोटे से तो बच्चे हो आप।
देखो इलेक्ट्रिक करंट, अब एरो लगा के लिखना, इज डिनोटेड बाय आई। आई से लिखते हैं चार्ज का नोटेशन, बच्चों आपको पता है क्या होता है, क्यू होता है, और टाइम का नोटेशन बच्चों क्या होता है, टी होता है। ठीक है, अब देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, आई इज इक्वल क्यू ओवर टी। देखो बच्चों पर यूनिट टाइम, इफ योर टाइम इज 1 सेकेंड देन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, मैंने लिखा था ना पर यूनिट टाइम जो फ्लो होगा वही करंट होगा। ठीक है ना, टी को अगर हम 1 सेकेंड ले लें, इफ टी इज 1 सेकेंड देन आई इज इक्वल किसके हो जाएगा, क्यू के। तो जो चार्ज आपका फ्लो हो रहा होगा वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अब देखो यूनिट भी यहीं से देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं, आई की यूनिट देखो, क्यू की यूनिट बच्चों चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम साइंटिस्ट का नेम है, उसी ने चार्ज को इंट्रोड्यूस किया तो उसी के नाम पे रख दी यूनिट। और टाइम की यूनिट जनरली हम सेकंड लेते हैं, वैसे आर मिनट सेकंड्स में लेना है आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मिनट में या आवर्स में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। और कूलाम पर सेकंड तो हो गई करंट की यूनिट। ठीक है, एक ये तो एक करंट की और भी यूनिट होती है, मीन्स कूलाम पर सेकेंड का नेम क्या होता है, एम्पियर भी होता है बच्चों। कूलाम पर सेकेंड का नेम क्या होता है, एम्पियर भी होता है। तो करंट की सेकेंड यूनिट या फेमस यूनिट, फेमस आप जो बोलने में आएगी ना वो क्या होगी, एम्पियर। और इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ करंट, दैट इज कूलाम पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों, देखो यूनिट समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। देखो बच्चों जो पहले स्टार्टिंग में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उस टाइम पे हमें क्या है, ये नहीं पता होता था कौन सा चार्ज, नहीं पता होता था सीरियसली। हम ऐसे मानते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी के डायरेक्शन में करंट होती है। लेकिन धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, फिर हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं देखना है, कौन से चार्ज का देखना है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो देखना है। तो अभी तुम क्या है, एक नॉट पॉइंट लगाओ, और नॉट पॉइंट में भी अपने कुछ पॉइंट्स करेंगे। इसके बाद एक नॉट पॉइंट लगाओ, वैसे यूनिट के बाद आपको डिवाइस ने बोली थी वो भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, डिवाइस लिख लेंगे, इंस्ट्रूमेंट लिख लेंगे, एक नॉट पॉइंट लगा लो, इससे पहले लगा लो। ठीक है, इसमें देखो आप, इस नॉट पॉइंट में एक तो आपको फर्स्ट तो डायरेक्शन क्या होती है करंट की, ठीक है, और ये सेकंड तो कर लेंगे। उससे पहले क्या है कि विच चार्ज, कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, विच चार्ज, कौन से चार्ज की वजह से आपकी करंट हो रही है। देखो मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था बच्चों, एक तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है ना वो वीक सा है, थोड़ा थिन है। ठीक है, ओहो इसको हमें इसको खाना ही नहीं देते, क्या करें। नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेगेटिव चार्ज बहुत फैट है, ये तो बहुत सारी चीजें खाता है ये, तो इसकी मम्मी इसको सारा खाना इसी को ही खिलाती है। ठीक है, तो ये फैट है, ये थिन है। अब आपको पता है ये फैट है तो ये लेजीनेस क्या रहेगा, ये एक सेकेंड बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उल्टा बोल दिया मैंने, ये फैट है और ये थिन है। ठीक है, इसका मास जो है ना, इसका मास जो है वो लेस है कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज, इसका मास मोर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास वो कम होता है ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव या प्रोटोन। पॉजिटिव मीन्स प्रोटोन और नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बेचारे इलेक्ट्रॉन के पास टाइम ही नहीं है, इतनी भाग दौड़ है उसको, इतना काम करता है वो, ठीक है, कि उसको खाना खाने का टाइम ही नहीं है, इसलिए वो थिन है। ठीक है, तो देखो कौन भाग रहा है, वायर के अंदर कौन भाग रहा है, इजीली कौन मूव कर सकता है, मोटे ताजे लोग तो बड़े रहते हैं आराम से बेड पे। ठीक है, तो ये थिन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसी को करंट बोलेंगे। तो अपने एक और यहाँ पे विच चार्ज में बता सकते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा विच चार्ज, तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज। करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नेगेटिव चार्ज। तो एक डिफाइन और भी लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज थ्रू वायर। ठीक है, आपकी कंडक्टिंग वायर है जो, वो भी क्या है, कंडक्टिंग वायर, वो भी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। Cause of is the cause of electric current.
समझ आ रहे ना बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन काफी बन रहे हैं इसके अंदर, है ना, कितना ही आप इसके अंदर चले जाओ। अब डायरेक्शन देखो, मैंने आपको बोला पहले नहीं पता होता था ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती थी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन की ले लेते थे। अब देखो क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो डायरेक्शन मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, आप सेकेंड पॉइंट बना के लिखना। जैसे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है ये, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो करंट होगी ना इसकी रिवर्स होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों वैसे तो करंट किस डायरेक्शन में, मतलब सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगी, कोई अभी अपने इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट था ना टॉपिक, जैसे ये कोई सर्किट है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ठीक है, तो आपकी करंट कैसे भागेगी, करंट ऐसे इसके रिवर्स, यूं जाके ऐसे, ठीक है। अगर ये कोई वायर है, मान लो ये वायर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो आपकी करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, उसके रिवर्स जाती है। तो डायरेक्शन में आप क्या लिख लेना, डायरेक्शन में मैं बोल रही हूँ, डायरेक्शन में आप क्या लिख लेना, करंट इज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके क्या होती है, ऑपोजिट होती है। इतना सब क्लियर है आपको, ठीक है, इतना सब क्लियर है। सर्किट बताएंगे क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, दोबारा से देख लेना, और साथ साथ में नोटबुक पेन रखो ताकि जागते रहो, सो वो मत जाना भाई, ठीक है। चलो देखो, करंट के बारे में समझ आया। अब देखो इंस्ट्रूमेंट, कभी आपको मेजर करना हो है ना, आपके पास कितनी करंट आ रही है, फ्रिज आपका ऑन है तो कितनी करंट वो ले रहा है, ठीक है, टीवी ऑन है तो कितनी करंट कंज्यूम हो रही है उसमें, एसी ऑन है तो कितनी हो रही है, तो करंट को मेजर करते हैं बच्चों, देयर इज अ डिवाइस नोन एज अ मीटर, ठीक है, डिवाइस टू मेजर करंट। देखो इसकी यूनिट के नेम पे इसका नेम है, एम्पियर यूनिट होती है ना, तो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। और एक पॉइंट याद रखना ऑलवेज, ये आपको बाद में समझ में आएगा, एक बार के लिए आपको लर्न करना है, ऑलवेज कनेक्टेड, ये आपको इसी चैप्टर में समझ में आएगी ये लाइन, एक बार स्टार मार्क कर लो, अमीटर, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर को आपको कनेक्ट करना हो तो ऑलवेज किस में कनेक्ट करोगे बच्चों, सीरीज में कनेक्ट करोगे। क्लियर है आपको ये सब चीजें, ठीक है। करंट के बारे में इतना ही था, चार्ज नेगेटिव होता है, फ्लो होता है वायर में से, करंट बनती है, ठीक है, करंट को मेजर एमीटर से करते हैं, यूनिट कूलाम पर सेकेंड होती है, एम्पियर भी बोलते हैं इसको, और क्या क्या मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ पॉइंट में मैंने आपको बता दिया, जैसे क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज और डायरेक्शन बता दी थी, ठीक है। मेजरमेंट करने के लिए एमीटर है, एमीटर को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, स्टार कर लो, इसी चैप्टर में समझ में आ जाएगा क्यों, ठीक है। और देखो आप और क्या देखोगे करंट के बारे में, इतना तो पढ़ लिया, फॉर्मूला भी पढ़ लिया करंट का, है ना, क्लियर है ना, इंस्ट्रूमेंट भी हो गया। चलो अब देखो सर्किट की बात करते हैं, सर्किट बता दिया मैंने, एमबीबीएस वाला नहीं है, सर्किट कौन सा है भाई सर्किट, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है, जैसे देखो आपकी जो करंट फ्लो हो रही है ना, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये जो करंट है ना इसके भाई अपने नखरे हैं, ऐसे इजी वे में नहीं मूव होती, ये पता क्या, इसको कंडीशन चाहिए होती है। अब सोचो, ठीक है, दिवाली आ रही है आगे, और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, ठीक है, आप बोलोगे नहीं मम्मी मुझे तो यही वाले कपड़े चाहिए, ऐसे जो आप बोलोगे ये ट्रेडिशनल थोड़ी लेना है मुझे वेस्टर्न लेना है, ये लेना है, आपके भी अपने नखरे हैं, वैसे करंट के अपने नखरे होते हैं, ये क्या बोलती है कि मैं फ्लो तो हो जाऊंगी, ठीक है, फ्लो तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को ना क्लोज पाथ चाहिए, मतलब सोचो एक बात सोचो, स्विच है, वायर के आगे क्या होता है, घर में स्विच होता है, उस स्विच को आप बोर्ड में कनेक्ट ही मत करो,
मत करो कनेक्ट, नहीं कि आपने कनेक्ट, स्विच पड़ा है कहीं पे भी, करंट फ्लो होगी क्या? होगी क्या करंट? नहीं होगी। उस स्विच को उस बोर्ड में कनेक्ट करो, जब आप कनेक्ट करोगे तो ही करंट फ्लो होगी। जब तक आपने कनेक्ट नहीं किया बच्चों, तो दैट इज ओपन सर्किट, जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया दैट इज क्लोज सर्किट, और करंट फ्लो हो गई, आपकी टीवी ऑन हो गई, आपका कोई भी अप्लायंस ऑन हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो तो जब सर्किट के अंदर जो करंट है, अब अपने इसमें क्या लिखते हैं, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिखेंगे। अ कंटीन्यूअस, एक तो कंटीन्यूअस होता है, ठीक है, अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज known as electric circuit, is known as electric circuit। बच्चों मैंने ऐसे वायर बना रखे ना, ये ओपन है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं। समझ में आ गया ना? करंट क्या कहती है, मैं फ्लो तो हो जाऊंगी, पहले स्विच तो लगा दो, ऐसे कैसे फ्लो हो जाऊं, ठीक है, ऐसे पड़ी पड़ी वायर तो तुम ऐसे तो वायर रख दो, टीवी चल रही है, बिजली का बिल तो आ नहीं रहा है, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, हम भी खुश, ठीक है। देखो सर्किट ऐसा होता है बच्चों, इस तरीके से, जैसे मान लो आपको करंट फ्लो करवानी है यहाँ से, ठीक है, एक बैटरी कनेक्टेड होती है सर्किट के अंदर, यहाँ पे कोई भी अप्लायंस है, लाइक ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक मीटर, जो मैंने आपको बोला ना एमीटर से मेजरमेंट होती है करंट की, एमीटर कनेक्टेड होता है, और क्या बताएं आपको, यहाँ पे एक की भी कनेक्टेड होती है इस तरीके से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है पार्ट, बच्चों इसको बनाओ, सर्किट को बनाओ, ठीक है। तो अब देखो ये जो इसको की बोलते हैं, की मीन्स बच्चे जो आप प्लग लगाते हो उसको आपको डॉट लगाना है तो कनेक्ट हो जाएगा, ये डॉट आप हटा दोगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, ये डॉट लगा दिया तो बच्चों सर्किट क्लोज है, क्लोज्ड सर्किट है, हमें लगा हुआ ही चाहिए तभी करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब ये डॉट लगा है तो अब करंट फ्लो की डायरेक्शन बनाओ बच्चों, ये एमीटर है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एमीटर, दिस इज योर अप्लायंस, बल्ब बोल दो, ऐसे ही बनाना आता है मुझे, ठीक है, इसको बल्ब बोलते हैं। अब देखो जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो ये बल्ब ग्लो करेगा, अगर मैं इस की को कनेक्ट नहीं करूं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, तो ये की कनेक्ट कर दी। अब देखो बच्चों मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन्स जैसे जाएंगे ना करंट उसके ऑपोजिट जाएगी। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर ऐसे ही तो जाएंगे, बैटरी के टर्मिनल से ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो करंट कैसे जाएगी, इसके रिवर्स, यू पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है बच्चों, ऐसे बता रही हूँ, ये जो है ना ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे, तो करंट इसके अपोजिट, तो आप याद भी रख लेना करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, डायरेक्शन है ये इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना लो और ये करंट की डायरेक्शन लिख लो, याद रखना डॉट लगा रखा है तभी करंट बनाना, इसको आई लिख लो, इस एरोज को, ठीक है, डॉट लगा रखा है तभी करंट बनाना, डॉट को रिमूव कर दिया तो सर्किट ओपन है, और ओपन सर्किट में करंट के अपने नखरे हैं, वो फ्लो नहीं होगी, ठीक है। ये बच्चों करंट का टॉपिक था, अब इस पे होमवर्क देती हूँ और एक छोटा सा नोट पॉइंट और बताती हूँ, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा नोट पॉइंट और बताती हूँ आपको, आपके काम आएगा, फॉर्मूला है, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखो आपने क्या स्टडी किया, आई इज इक्वल क्यू ओवर टी ना, ठीक है, तो जो बच्चों चार्ज है ना इसका एक फॉर्मूला है, चार्ज इज इक्वल एन ई, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना बच्चों, टोटल चार्ज कैसे बनेगा, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वायर में से, वन इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है तो चार्ज आपका कितना है, वन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, अगर वायर में से टू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज कितना है, टू इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, Q इज इक्वल एन ई, इसका मतलब आपकी वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू वायर,
एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोविंग थ्रू वायर. क्लियर है ये? ठीक है. तो क्यू इज इक्वल एन, याद रखना बच्चों. क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज. कितना होता है? टोटल चार्ज. एन क्या होते हैं? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ई क्या होता है बच्चों? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. और इसकी वैल्यू बता देती हूँ, याद रखना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो यहाँ पे यूज में लेंगे. ठीक है, इस एक फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट लो, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ठीक है, अभी तो कहा, अभी तो आपको छुट्टी थोड़ी देंगे, अभी तो हाफ एन आवर भी कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है, हमने एक टॉपिक कवर कर लिया. हाँ, होमवर्क तो बता दो इस टॉपिक का. देखो, इस टॉपिक का होमवर्क है, देयर इज एन एग्जाम्पल इन योर बुक 12.1. ठीक है बच्चों, ये टॉपिक नोट्स में लिखते ही क्वेश्चन करना है, याद रखना. क्वेश्चन ये नोट्स में लिखते ही, नोट्स आपको बनाने हैं क्लास के बाद. अब स्क्रीनशॉट लेते रहो, साथ साथ में बनाओगे तो टाइम काफी कंज्यूम होगा. तो 12.1 तो एग्जाम्पल करना. ठीक है, जस्ट बाद ना आपकी बुक में ऐसे बॉक्स बने होते हैं. इन फ्रंट ऑफ मी आई हैव ओपन्ड योर बुक. ठीक है, तो देखो आपकी बुक में एक नोट ऐसे बॉक्स बना हुआ है क्वेश्चंस का, ऐसे क्वेश्चंस का है ना आपके पास बुक, ऐसे क्वेश्चंस का बॉक्स बना हुआ है. क्वेश्चन 1, 2, 3 ये करने बच्चों आपको. क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन 1, 2, 3 तो इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड आप कितने क्वेश्चन करोगे टॉपिक करते ही? एक तो 12.1 एग्जाम्पल और जस्ट बाद में 1, 2, 3 क्वेश्चन. बच्चों ट्राई करना, डरना नहीं है क्वेश्चन से, डरना नहीं है, ट्राई करना है. हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो मैं किस ले हूं, मैं बैठी हूँ ना, मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन फिर मुझे सेंड करना, मुझसे डाउट्स पूछना, इसीलिए तो हमने ग्रुप बनाया है, डाउट पूछने के लिए, आपका वर्क चेक करने के लिए. क्लियर है ना? करंट के बाद ये टॉपिक ही आप करना क्वेश्चन. अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज अबाउट पोटेंशियल. ठीक है, कर लिया था उस दिन भी हमने इसको, ऐसे ही पोटेंशियल में भी डेफिनेशन करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, यूनिट करेंगे, मेजर किससे करते हैं वो भी लिखेंगे. ठीक है, सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बच्चों बोर तो नहीं हो रहे ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे कैसे बोर हो जाओगे? आपको बोर होने देंगे ही नहीं. ठीक है ना, अपने इतने अच्छे अच्छे तो एग्जाम्पल्स लेते हैं, बताओ. तुम भी बता सकते हो ऐसे तो. देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या करेंगे, पहले तो अच्छा सा एग्जाम्पल जो हमने उस दिन देखा था, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे. डिफाइन करेंगे इसकी भी, डिफाइन करेंगे, यूनिट करेंगे एंड फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखेंगे अपने, यूनिट एंड फॉर्मूला. और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट, या फिर क्या लिखा था मैंने अभी, इंस्ट्रूमेंट. किससे इसको मेजर करते हैं? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल. ठीक है, और देखो, और आपको क्वेश्चन होमवर्क में जो इस पे मिलने हैं. ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे. ठीक है, देखो, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, ये आपकी टॉपिक की आउटलाइन है. ठीक है, इस वे में आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, देख लो, टेस्ट में भी कभी मैं दूं तो आपको इसी वे में करना है. ठीक है, चलो देखो, अभी देखते हैं. डिफाइन देखने से पहले अपने क्या देखते हैं, पहले पोटेंस देखेंगे बच्चों. देखो बच्चों, ये आपका स्कूल है, दिस इज योर स्कूल, डीएम पब्लिक स्कूल. ठीक है बच्चों, और ये आपका क्या है, घर, होम, स्वीट होम, माई स्वीट होम. लोग स्टेटस लगाते हैं ना, माई स्वीट होम, आई एम इन द माई स्वीट होम, ऐसे करके. ठीक है, तो देखो, आप अपने घर पे बैठे हो, बैठे ही हो, लॉकडाउन चल रहा है ना. अभी देखो, आपको क्या है, इतने टाइम के बाद कोई कहेगा स्कूल आ जाओ, इतने टाइम के बाद आपको कोई कहेगा स्कूल आ जाओ, तो देखो आप तो बड़े हो, छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले, चाहे किसी का भी लें, तो वो बच्चा कहेगा है मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसे तो स्कूल नहीं जाऊंगा मैं. आपको क्या है, उसको थोड़ा सा
क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्सटर्नल आपको वर्क करना पड़ेगा. वर्क बाय मीन आपको उसको थोड़ी सी लालच देनी पड़ेगी. मम्मी आपको चॉकलेट देगी, पापा आपके लिए ये लेके आएंगे, न्यू न्यू क्लोथ्स लाएंगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा. ठीक है, अभी छोटे छोटे बच्चों को तो ऐसे ही देते हैं, तुम चलो थोड़े बड़े हो गए हो, है ना. ठीक है, तो तुम जैसे जैसे अपने डिमांड्स करोगे वैसे, तो बच्चों वो जो डिमांड्स है ना, आपको घर से स्कूल तक पहुंचाने की जो डिमांड्स है ना, दैट डिमांड्स आर एक्सटर्नल वर्क. और वो कौन कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं. वो चाहते हैं बच्चा स्कूल जाए, जान खाली तुमने घर बैठ बैठ के है. तो देखो, घर से स्कूल तक आपको आना है, तो जो एक्सटर्नल वर्क आपके पेरेंट्स ने किया, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने जो एक्सटर्नल एफर्ट लगाया बच्चों, वो एक्सटर्नल वर्क है ना, वर्क वो ही किस फॉर्म में स्टोर हुआ, पोटेंशियल की फॉर्म में. ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल. ठीक है, दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अच्छा, अभी हम उसको इलेक्ट्रिक नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करूंगी तो मींस आप उस स्टूडेंट को नहीं ला रहे हो घर से स्कूल, किसको लेके आ रहे हो बच्चों. इलेक्ट्रिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी किससे रिलेटेड होता है, चार्ज से. तो आप क्या कर रहे हो, चार्ज को ला रहे हो. ठीक है, आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है आपके घर में, उस चार्ज को आपको क्या करना है, बहुत दूर से घर, मान लो किसी का घर ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का घर हनुमानगढ़ जंक्शन में है, किसी का टाउन में है, इस तरीके से. तो घर किसी का कितना भी दूर हो सकता है, ऐसे समझना मेरी बात को, आपका जो घर है वो कितना भी दूर हो सकता है. तो जो चार्ज है ना बेचारा, आपका फार डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, वेरी फार डिस्टेंस, थक जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आएगा. उस पे एक्सटर्नल वर्क होगा ऑन द चार्ज, दैट विल बी स्टोर्ड एज, फिर उसको यहां ले आए, दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल. और पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, वी से. ठीक है बच्चों, वेरी फार डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी से आ रहा है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है. और कहां पे आ रहा है, स्कूल में या फील्ड में आ रहा है. ठीक है, स्कूल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, स्कूल मीन्स एक तरीके का एरिया. ठीक है, अब चार्ज आ रहा है तो वो चार्ज का एरिया बन जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे. तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है आपका, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, मैं इसकी डिफाइन अभी लिखती हूँ यहाँ पे, डिनोट देखो बच्चों किससे करेंगे, लिखी देती हूँ, एग्जाम्पल से समझ आ गया ना आपको. ठीक है, बताओ, रिस्पॉन्स करो बच्चों, यस और नो में बताओ, देखो तो सही, जाग रहे हो क्या आप, है ना, समझ आया कि बच्चों आपको. देखो क्या होता है, आप डिफाइन कैसे लिखोगे, टू ब्रिंग, अच्छा यहां से लिखो, एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is known as, ऐसे लिख लो, is stored in the form of, देखो वर्क ही तो एनर्जी है, in the form of potential energy. ठीक है, या फिर अपने क्या बोले, also called electric potential. इसको नोट कर लेना. देखो डिनोट किससे करते हैं, वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी. यहां देखो कैसे लिखेंगे आप, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट, स्कूल में कोई पॉइंट ले लो बच्चों, स्कूल की कोई क्लास ले लो, ठीक है, उस क्लास का नाम पी है, ये आपका स्कूल था, स्कूल की किसी क्लास में आए, पी नंबर क्लास में आए, ठीक है, और आप कहां से आए थे, इनफाइनाइट से चार्ज आया था. तो बच्चों इनफाइनाइट से कहां पे आया, P पे आया, इनफाइनाइट टू P. तो इसको लिखते कैसे हैं, V इन्फिनिटी टू P. ओके, वर्क आपको करना पड़ रहा है, वर्क भी इन्फिनिटी टू P ही करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क ऑन दैट चार्ज. ठीक है, ऑन दैट चार्ज, यहीं से यूनिट बना देते हैं अपने, इसकी फॉर्मूला हो गया बच्चों, डिफाइन
दिस इज डिफाइंड, दिस इज फॉर्मूला, हियर इज यूनिट. यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम. कूलाम को सी से भी लिख देते हैं बच्चों, और जूल को जे से. इसको कैसे लिखेंगे, जे ओवर सी. ठीक है, जैसे अपने सी ओवर सेकंड को क्या बोलते थे, एम्पियर, तो जे ओवर सी, जूल ओवर कूलाम का बच्चों नेम होता है वोल्ट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी है, जूल पर कूलाम या वोल्ट. समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया आपको. ठीक है, अब थोड़ा सा ही चेंज करेंगे इसकी डेफिनेशन में. चलो एक बार तो मैं कंप्लीट इरेज कर रही हूँ. अरे स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा वीडियो ओपन कर लेना, थोड़ा टाइम नहीं दिया मैंने आपको. चलो देखो, अब हम चार्ज को, हम उस नन्हे मुन्ने बच्चे को कहाँ ले आए, जबरदस्ती एट द एंड ऑफ कोरोना पीरियड इन स्कूल ले आए. चार्ज को स्कूल में ले आए. बेचारे बहुत दूर से आया था, इन्फिनिटी से आया था, ये पी पॉइंट तक आ गया था. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, बीच में एक एक्सटर्नल वर्क किया था बच्चों, किया था ना एक्सटर्नल वर्क. अब देखो बच्चों, आपके टीचर्स को भी कहाँ चैन आता है, नहीं आता ना भाई, इतना बच्चों से काम करवाते हैं. मैं तो नहीं दूंगी, ज्यादा काम नहीं दूंगी. ठीक है, टेंशन मत करना, आराम से करना आप अपना काम. देखो टीचर, अब स्कूल में तो बच्चा आ गया. ठीक है, अब टीचर को सहन नहीं हो रहा कि अच्छा स्कूल में आ गया, अब इसको हम ना एक क्लास से दूसरी क्लास में भेजते हैं. ठीक है, टीचर सोच रही है बच्चा ऐसे बैठा है आराम से, अच्छा नहीं लग रहा, वर्क तो उसको करना चाहिए. ठीक है, तो टीचर क्या बोलती है स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट आपका था, स्टूडेंट मीन्स आपका चार्ज यहाँ पे आ गया था, आ गया था. तो टीचर क्या बोलती है, चार्ज यानी कि स्टूडेंट, आपको कहाँ जाना है, आपको ना आपके साथ वाली क्लास में जाना है, और उसकी, उन टीचर की कोई फ्रेंड है, अनदर टीचर है, उससे आपको ये सामान लेके आना है. अब बच्चा चिढ़ गया, एक तो मैं घर से स्कूल आया, ऊपर से मैडम मुझे दूसरी क्लास में भेज रही है, ओफो. फिर जाना तो नहीं चाहता, फिर शक्ल बनाएगा, फिर टीचर क्या बोलेगी, अरे बेटा ले आओ, आप एक पेन ले लेना मुझसे एक्स्ट्रा में, ऐसे उसको लालच देगी. तो टीचर ने भी क्या किया, एक्सटर्नल वर्क किया. ठीक है, तो बच्चा पी पॉइंट पे तो था, आपका चार्ज पी पॉइंट पे तो था, स्कूल में ही है, फील्ड में ही है, पी पॉइंट से उसको आपको यहाँ पे कोई आर नंबर पॉइंट पे लेके आना है. बी से कहा लेके आना है, आर नंबर पॉइंट पे लेके आना है. तो दैट एक्सटर्नल वर्क विल बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. अगर आप इंफिनिटी से लाते हो तो पोटेंशियल, और अगर आप उसी पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाते हो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, लिखती हूँ मैं इसको. देखो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखती हूँ, एक्सटर्नल वर्क इज डन टू मूव a charge from one point to another, मतलब one class से another class, one point to another in electric field, in that field. ठीक है, उस फील्ड में बच्चों, अब आप इंफिनिटी से नहीं आ रहे हो, उस फील्ड में ही आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो. ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क आपको जो भी होगा इन दैट फील्ड विल बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, विल बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. बस बच्चों थोड़ी सी क्लास हो रहा है, ज्यादा लंबी नहीं है. ठीक है, ये सब हमने कवर कर लिया था, तो इतना कवर करना जरूरी है, फिर नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो बताओ इसको डिनोट कैसे करोगे, आप लिखोगे तो वी से, बट आप पी टू आर आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम पी टू आर, एंड वर्क डन ऑल्सो पी टू आर ऑन द चार्ज क्यू, ऑन द चार्ज क्यू. ठीक है, सेम यूनिट है इसकी भी, वोल्ट और जूल पर कूलाम. अगर बच्चों Q इज इक्वल टू वन कूलाम है, Q इज इक्वल टू वन कूलाम है, अगर मैं आपसे वन वोल्ट की डेफिनेशन पूछूं, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट, दैट इज वन जूल, वर्क इज वन जूल ऑन द वन कूलाम चार्ज. ठीक है, ऑन वन कूलाम चार्ज इफ यू हैव डन वन जूल वर्क, दैट विल बी नोन एज वन वोल्ट. दोनों की वैल्यू वन वन ले लो, यूनिट लिखनी जरूरी होती है. ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस था. क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. अब देखो, अब बस दो पॉइंट हो रहे हैं, बस अपने करते हैं इसको. ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करोगे, वोल्ट मीटर से. जो इसकी यूनिट है, उसकी यूनिट क्या थी बच्चों, से लिख दिया क्या, देख लेना आप. ठीक है, उसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर थी. तो मेजरमेंट किससे लेते थे हम,
अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या था मेजर करने के लिए? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट मीटर। इसकी यूनिट वोल्ट है तो वोल्ट मीटर। स्टार लगा के पॉइंट लिखो, उसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते थे। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, इसको समझाएंगे, ये जो स्टार मार्क है ये आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी चैप्टर में करेंगे। जब रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे ना तो आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक बार स्टार मार्क करके लिख लो। ठीक है, इतना ही था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे बच्चों जो होमवर्क क्वेश्चन है वही आपके बॉक्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल है आपका 12.2 एग्जाम्पल करना है। बॉक्स में क्वेश्चन 1, 2, 3 बने हुए हैं, वो करने हैं। एक बच्चों एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है ना लास्ट में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है जो आपकी लास्ट में, उसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 इसका स्क्रीनशॉट लो, क्या क्या करना है इस टॉपिक पे, कितने क्वेश्चन करने हैं। पहले एग्जाम्पल 12.2, देन बॉक्स में 1, 2, 3 क्वेश्चन, देन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब बच्चों अपने पास 1 और 2 मिनट्स है। ठीक है, अपनी क्या करते हैं, देखते हैं कि आपको क्या क्या डाउट है। देखो आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है पूछो आप। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आप रिलैक्स हो जाओ, फर्स्टली तो रिलैक्स हो जाओ। आप ऐसे मत सोचो कि अच्छा 3, 4, 5 क्वेश्चन पहले, 9 क्वेश्चन बच्चों, कुछ नहीं है बिल्कुल। जो आपने अभी क्लास में पढ़ लिया ना, आई थिंक आपको सारा सा लर्न भी हो गया होगा, हो गया ना, हमने एग्जांपल से किया है तो आपको लर्न भी हो गया। तो वही उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको अप्रोक्सीमेट मैं बोलती हूँ, अगर किसी ने अच्छे से क्लास अभी अटेंड की है ना, एक्सप्लेनेशन समझी है, अप्रोक्सीमेट मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में आपका वर्क हो जाएगा। 20 मिनट्स का वर्क है ये, इससे ज्यादा नहीं है। फेयर नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो। अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है तो आप एक रफ पेज पे करके पहले मुझसे चेक करवा लो ग्रुप में, और उसके बाद अपने फेयर नोट्स बना लो। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो हम अभी ले रहे हैं, बताओ। एनी डाउट रिगार्डिंग द क्लास, है ना, बताओ। ऐसे हम कल भी मिलेंगे ट्यूजडे को इसी टाइम, सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म। अब सॉन्ग मत गाने लग जाना वो। ठीक है, तो 12:30 to 1:30 PM टुमारो अगेन ट्यूजडे, और वेडनेसडे को फिर हम लाइव मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बताओ अब कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लो, वरना अपने सेशन को एंड करते हैं। दो ही टॉपिक्स किए हमने, करंट के बारे में किया, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आप उस फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, और पोटेंशियल क्या, आप इन्फिनिटी, यू आर गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है, फॉर्मूले आपको पता चल गए हैं, क्लियर है। चलो आपको कोई भी डाउट हो बच्चों आप पर्सनली पूछ लेना मुझसे, ग्रुप में पूछ लेना। अभी हम सेशन को एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास, ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहो। जो भी स्टूडेंट्स नहीं कनेक्टेड हैं, यहाँ पे नहीं पता है, उनको भी आप इन्फॉर्म करो, आपके फ्रेंड्स हैं, इट्स योर ड्यूटी। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं अभी एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, थैंक यू।